अभी रुक जा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। प्रखंड नारायणगढ़ कोट बटियाड़ा से मां नागिनी देवी 38 वर्षों बाद क्षेत्र भ्रमण पर जनियों और साथ ही अपनी 9 बहनों की मिलने 177 दिनों की यात्रा पर निकली हुई हैं। तो वहीं कल शाम को देवी नैनी माता लक्ष्मी नारायण भगवान से मिलने नारायणगढ़ गांव पहुंची, जहां पर विदा होकर रात्रि विश्राम के लिए नैनी माता पालछुनी गांव पहुंची। आपको बता दें कि नारायणगढ़ की महिलाएं मां नैनी को विदा करने पालछुनी गांव पर पहुंची, तो यहां पर भी दोनों गांवों की बहनों का मां नैनी मिलन और साथ ही विदा होने का दृश्य बहुत ही भावुक हो गया। महिलाएं आपस में फूट फूट कर रोने लगी। आपको बता दें कि नैनी माता के ब्रह्मगुरु विशंकर सती के साथ में महिलाओं ने नैनी माता के मंगल और साथ ही वैदिक गीतों को गाकर नैनी माता का स्वागत किया। साथ ही आपको बता दें कि नारायणगढ़ की महिलाओं ने अशु पूरित विदाई भी थी और पालछुनी गांव में प्रवास के दौरान रात्रि के कार्यक्रम में नैनी माता सेवा समिति के कलाकारों ने लोगों का खूब मनोरंजन भी किया। आपको बता दें कि धनियों और साथ ही आमचंदों ने मां नैनी की पूजा अर्चना कर मनोनैतियां मांगी और साथ ही इस पर मां नैनी ने भी अपने भक्तों को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। इस पावन धरती पर आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि माँ का ये 15वां पड़वा नानर गांव में रात्रि विश्राम के लिए विश्राम में है और यहाँ पर बड़ा सुंदर नारायणगढ़ की जनता द्वारा हमारे सभी ब्यूरी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन किया गया। खान पान से रहन सहन किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। माँ की हर जगह आज हमें 15 दिन हो गए हैं, हर गांव में बहुत लोग तन मन धन से माँ के प्रति समर्पित हैं। हमारे गांव में माँ नागिनी माता नैनी देवी पहुंच चुकी है। जिस प्रकार हमारे समस्त ग्रामवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और मैं सर्वप्रथम नैनी माता का एवं जो उनके साथ आ रखे सभी अतिथियों का अपनी ग्राम सभा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। नारायणगढ़ से नैनी देवी प्रस्थान करके पालछुनी गांव के लिए पहुंची है। यहाँ पे ग्रामवासियों द्वारा समस्त महिला मंगल दल, युवक मंगल दल और ग्राम सभा द्वारा उनका भव्य स्वागत की तैयारी पहले से हमने बना रखी थी और जो हम कर भी रहे हैं। उसके बाद अभी यहाँ पे नैनी देवी को हम जो है नारायणगढ़ से ये पालछुनी के लिए रोड साइड से ला करके और यहाँ पे भी भगवती के स्थान पर विराजमान हो गए। माता आदिशक्ति पूर्व बचाने वाली नागिनी देवी का आगमन यहाँ पर हमारे ग्राम में हुआ है और जितना हमारे ग्राम वासियों को पाया हम लोगों ने अति संस्कार में कीर्तन किए हैं। उसके बावजूद भी अगर कुछ कमी रह गई होगी तो हम माँ नागिनी देवी को क्षमा प्रार्थी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर उनका जो कार्यक्रम है, जो जोड़ा है, भ्रमण कार्यक्रम चल रहा है। नैनी देवी का जो देवरा यात्रा था वो नारायणगढ़ में था। नारायणगढ़ से हम लोग पालछुनी गांव में पहुंचे हैं और पालछुनी गांव में बहुत अच्छा स्वागत किया मां नैनी देवी का सभी भक्तों ने और रात्रि को जो कार्यक्रम हुए थे यहां मां की वंदना के बाद जो है गुरुनाथ के बाद डालानाथ के बाद अन्य जो मां नंदा की कैलाश विदाई है उसके कार्यक्रम हुए। फिर हास्यास्पद कुछ कार्यक्रम थे वो कार्यक्रम हुए। उसके बाद जो है सुबह से भी बहुत अच्छा लोगों का आना जाना लगा हुआ है माँ की भेंट के लिए और माँ से मिलन के लिए सभी लोग आज पालछुनी गांव में आए। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा अल्मोड़ा पहुंचे और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। वहीं कर्नाटक खोला स्थित पूर्व दर्जा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विट कर्नाटक के कार्यालय पर वार्ता करते हुए कहा कि आज उत्तराखंड के साथ ही पूरे देश में लोग महंगाई से त्रस्त हैं। बेरोजगारी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जिससे युवा काफी परेशान हैं और साथ ही आगामी होने वाले समस्त चुनावों में कांग्रेस पार्टी उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगी और अपना परचम भी लहराएगी।
जिला लेवल पर हम कुछ आयोजन करें और हमने देवप्रयाग से इसकी शुरुआत की है। इसी महीने 16-17-18 को हम लोग पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले की बैठकें करने वाले हैं और 25 तारीख को हम चंपावत की बैठक हम करेंगे। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर की बैठकें स्थगित करके आगे का समय कुछ हम लेने वाले हैं और उसके बाद हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून की बैठकें। अन्य कांग्रेस परिवार के सभी वरिष्ठजन ग्राम प्रताप जेल गया, उस दिन भाई बच गया, ये छूट गया और स्थापना दिवस है। तो जिस खबर जसपुर से है, जहां पर जसपुर कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से वैज्ञानिक भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि साथ ही पूर्व विधायक शैलेन्द्र मोहन सिंगल, प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। वहीं गोष्ठी में क्षेत्र के किसानों ने चढ़बढ़कर हिस्सा भी लिया और किसान गोष्ठी में ग्रीष्मकालीन फसल को लेकर, मक्के की खेती को लेकर जानकारी भी दी गई। इसे समर राइस को मेज के साथ रिप्लेस करें, क्योंकि मेज में पानी की आवश्यकता करीब करीब 1/3-1/4 के आसपास होती है जो हम राइस में लगाते हैं। तो अगर हम मक्का उगाएंगे तो हमारे किसानों को फायदा भी होगा और हमारा जो पारिस्थितिकी है, या हम उसको कहते हैं कि हमारा जो वाटर टेबल है, वाटर है, वो भी बचा रहेगा। और आज की तारीख में इस तरह की वैरायटी आ गई है जो कम ड्यूरेशन, मक्का की मैं बात कर रहा हूँ, जो कम ड्यूरेशन में अधिक उत्पादन देती है और वो जो राइस के बराबर या उससे भी ज्यादा किसान को फायदा दिया। हमारे पूरे क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन धान की बुआई हो रही, व्यापक रूप से हो रही है, उससे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है और अंडर वाटर जो पानी है वो लगातार उसका स्तर घटता जा रहा है। ऐसे यहाँ क्षेत्र में कीट भी बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए सबसे अच्छी जो फसल वैज्ञानिकों ने बताई है आर्थिक दृष्टि से भी और उगाने की दृष्टि से, वो मक्का जो है। मैं अपने मंडी समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान जी से निवेदन, मंडी समिति पौड़ी जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला मुख्यालय दीवानी न्यायालय परिसर पौड़ी में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला जज अजय चौधरी द्वारा दीप प्रज्वलित भी किया गया। कार्यक्रम में सभी हितधारकों के कर्तव्यों को याद दिलाते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अकरम अली के आग्रह पर जिला जज एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैनल अधिवक्ता विनोद चमोली, विनोद कुमार और कुसुम नेगी, महेश बलूनी एवं पराविधिक स्वयंसेवी दीप रावत, अमित देवी, पुष्पेंद्र राणा, जगमोहन डांगी, विनोद चौहान सहित कई लोग भी उपस्थित रहे। और आपको बता दें कि यहां पर लिटरेसी क्लब द्वारा आम जनमानस और छात्र छात्राओं को अनुकरणीय कानून सेवा देने के लिए प्रशस्ति पत्र भी उन्हें सम्मानित किए गए। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस का सेलिब्रेशन आज यहाँ पर किया गया है और साथ ही साथ हमारे जो पराविधिक स्वयंसेवी हैं उनके लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर किया गया है। जैसे कि निर्देशित था, आज विधिक सेवा दिवस को मनाए जाने में हमारे सभी जो पौड़ी गढ़वाल के पराविधिक स्वयंसेवी गण हैं उनका द्वारा प्रतिभाग किया गया। नदरपुर थाना परिसर में आज एसडीएम गौरव पांडे ने पुलिस के साथ में व्यापारियों की एक बैठक ली और इस दौरान एसडीएम गौरव पांडे ने बताया कि बैठक का उद्देश्य पटाखा व्यापारियों के साथ में बातचीत करना और समाज से बैठकर किसी तरह की दुर्घटना ना होने को लेकर इस संबंध में आज चर्चा भी करना था और जिसके बाद में अधिकारियों को भी आदेश दिए गए कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही गदरपुर के राजकीय इंटर कॉलेज में जो बाजार लगता है उस पर भी नजर रखी जाए और पुलिस के कर्मचारी अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। और इस मौके पर बोलते हुए नगरपालिका अध्यक्ष
गुलाम गौस ने भी कहा कि गदरपुर में साफ सफाई को लेकर हम तत्पर हैं। आज एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है और क्षेत्र में किसी प्रकार की गंदगी और बिजली से संबंधित परेशानी ना हो, इस संबंध में शहरवासियों से भी इस पर चर्चा की गई। दीपावली व दीपावली के साथ अन्य त्यौहार जो मनाए जा रहे हैं उनके संबंध में यहाँ पर थाने में सीओ साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं और ये बैठक बुलाई गई है जिसमें व्यापार मंडल और जो आतिशबाजी जी के जो हमारे व्यापारी हैं उनको बुलाया गया है। वह सुरक्षा और शांति से अच्छी तरीके से त्यौहार निपटें, इसके संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। हर्षोल्लास का त्यौहार है। भगवान श्री राम जी जब अयोध्या पहुंचे थे, राजतिलक की तैयारी हो रही थी, तो दीपावली का त्यौहार बड़े खुशी से मनाया गया था। उसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष दीपावली का उपहार त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पर जो गदरपुर के अंदर प्रशासन अपनी कार्यवाही में लगा हुआ है, जहाँ भी कोई भी इंक्रोचमेंट है या किसी भी तरीके का आवाजाही है गाड़ियों की, तो उसको प्रशासन अपने तरीके से लगा हुआ है। आपको बता दें कि अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। पुलिस और व्यापारियों की बैठक भी लगातार की जा रही है। पटाखा व्यापारियों से भी बातचीत की गई है। मंगलौर क्षेत्र के भगवानपुर चंदनपुर गांव में गर्भवती विवाहिता को जहर देकर हत्या का प्रयास किया गया। हालत बिगड़ने पर विवाहिता को मंगलौर के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि पीड़िता के पिता ने बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी 8 महीने पहले की थी और इस दौरान हैसियत के अनुसार दान दहेज भी लिया गया था, लेकिन ससुराल वाले और अधिक दहेज की डिमांड कर रहे थे, जिसके चलते कई बार पीड़िता के साथ मारपीट भी की गई। और इतना ही नहीं, मांगे पूरी ना होने पर गर्भवती विवाहिता को जहर देकर हत्या करने का भी प्रयास किया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर आरोपी पति सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना की जांच भी लगातार जारी है। लगभग 8 महीने पहले शादी, 7-8 महीने पहले शादी करी और जब से ही दहेज के चक्कर में परेशान। भगवानपुर चंदनपुर में लड़का अमन शमशेर का लड़का है और बस दहेज के चक्कर में लड़के को परेशान और लास्ट में आ गए दहेज, मतलब जहर देकर मारने की कोशिश करी। मारपीट करते थे ना, दहेज चाहिए और ने 4 पहियों की गाड़ी चाहिए थी और भी बहुत सारा सामान चाहिए था। और हालांकि मेरे पापा ने पल्सर गाड़ी दी थी, फिर भी वो मुझे बहुत मारते थे। मुझे 2 बार जहर देने की कोशिश करी उन्होंने जबरदस्ती, फिर मैंने खा नहीं पाई तो उन्होंने मुझे पहले बहुत मारा, तब मैं होश में ही थी अपने, फिर मेरे हाथ पैर पकड़ के जबरदस्ती जहर डाला मेरे मुंह में। मेरी सास ने, हस्बैंड ने मेरे हाथ पकड़े और देवर ने पैर, तब उन्होंने मुझे जहर दे के गेट बंद करके भाग कराया है कि उसके लड़की को जो है जहर दिया गया है। लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है और उस समय में दहेज का और 354 का और मारने का 307 का मुकदमा दर्ज कराया गया 7 लोगों के खिलाफ, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही। जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई। जनपद पौड़ी के रिखड़ी खाल और नैनी डांडा ब्लॉक के 24 गांवों में आदमखोर बाघ के आतंक से पूरे इलाके में अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात हैं। आपको बता दें कि कालागढ़ टाइगर रिजर्व की सीमा से लगे इन गांवों के आसपास से अभी तक वन विभाग की टीम 3 टाइगर को पकड़कर रेस्क्यू सेंटर भेज चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी इन गांवों में टाइगर की दहशत बनी हुई है। हालांकि वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है, लेकिन ग्रामीण अभी भी अकेले घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। आपको बता दें कि 3 बाघों का रेस्क्यू करके उनको भेजा गया है और साथ ही आपको बता दें कि 24 गांवों में बाघों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आमजन में कर्फ्यू जैसा माहौल बना हुआ है, लोगों को निकलने में काफी दिक्कत हो रही है और साथ ही 3 बाघों को रेस्क्यू कर सेंटर भेजा गया है। ये जो खबर है वो कोटद्वार से है, जहां पर लगातार बाघ का आतंक बना हुआ है, जिससे
वहां के निवासी डर के माहौल में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तीन बाघों को रेस्क्यू कर सेंटर भी भेजा जा चुका है, जिससे थोड़ी सी राहत मिली है। आपको बता दें कि 24 गांवों में बाघों का आतंक लगातार बरकरार है। अभी देखिए ऐसा है कि ये तीसरा केस था इस समय, तो तीसरा टाइगर वहां से हमने रेस्क्यू किया है। ये हमारी कालागढ़ और गढ़वाल बनपुरा की सीमा से लगा है, तो किया तो गढ़वाल के दीवर रेंज वालों ने है, और फिलहाल जो है वो जो प्रॉब्लमेटिक टाइगर था उसको फिलहाल वहां से रेस्क्यू करके ढीला लिया है। कॉर्बेट से सटे तुरई पश्चिमी वन प्रभाग के आम पोखरा रेंज में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही बाघ ने जंगल में लकड़ी लेने गए एक युवक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं बीती देर शाम बाघ ने फिर से तराई पश्चिमी के हाथी डंगर क्षेत्र से घर के पास में एक घास लेने गई महिला पूजा देवी पत्नी नवीन चंद्र निवासी हाथी डंगर, जिसकी उम्र 30 साल है, उस पर हमला कर दिया। उसकी मौके पर ही मौत हुई। मामला साहब ये घास काटने के लिए गए थे, वहीं पास में कहीं दूर नहीं था। अच्छा। वहीं जो राम का पुल है वहीं पे गए थे, तो शेर वहाँ बैठा था, उसने झपट गया और मैं रोड पे खड़ा था। अच्छा। और मेरे गोद में पोता था, और तो मैं वहाँ जा नहीं सका। मैं अगर पोता नहीं होता तो मैं वहाँ लेके जाता। अभी शाम के टाइम पे हमारे पास सूचना आई है कि हाथी डगर जो आम पोखरा रेंज का इलाका है, यहाँ पे एक बिग कैट के द्वारा, यानी कि बाघ या गुलदार कोई भी हो सकता है, एक महिला पे जो है अटैक किया गया है, और महिला की जो है मृत्यु हो गई है, और साथ में दो लोग इसमें घायल भी हुए हैं, और दोनों को ही जो है हॉस्पिटल ले आया गया है यहाँ पे जो घायल है, और मृत महिला का भी शव है वो भी यहाँ पे रामनगर हॉस्पिटल में आ चुका है। धनतेरस का पर्व सभी के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है, लेकिन बीते साल से कारोबार में गिरावट भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि वहीं सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में तांबा, स्टील, पीतल और कांसे के बर्तन खूब बिके हैं। धनतेरस को बाजार में लेकर रौनक का माहौल है। पटाखे, सजावट, पूजा सामग्री, मिठाइयों की खूब बिक्री भी हो रही, सरपड़ा कारोबार भी खूब चमक रहा है। बर्तन व्यापारियों के अनुसार इस बार कारोबार में गिरावट देखने को मिली है। एक अनुमान के अनुसार धनतेरस पर 2 से 5 करोड़ रुपए तक के कारोबार की उम्मीद थी। इस बार बाजार में भीड़ तो बहुत है, लेकिन लोग इस बार तांबे पीतल के बर्तनों को बहुत पसंद कर रहे हैं। जो हमने तांबे में अर्पण कराया हुआ है, तांबे के कलश बनाए हुए हैं, कांसे की थालियां हैं, थाले के कटोरे, थाले की गिलास और अर्पण के बर्तन, इस बार थोड़ा लोगों का रुझान तांबे पीतल के ऊपर काफी है। इस बार दीपावली पर्व से पूर्व 14 साल वनवास के बाद में अयोध्या लौटे प्रभु श्री राम, भाई लक्ष्मण और माता सीता के तर्ज पर अमर ज्योति बाल विद्यालय की ओर से दिनेशपुर क्षेत्र में प्रभु श्री राम, भाई लक्ष्मण और माता सीता एवं वानर सेना के प्रमुखों के दिनेशपुर के समिति कार्यालय से होता हुआ नगर के कई वार्डों के परिक्रमा के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान विद्यालय के सुरेंद्र बिस्ट ने भी कहा कि जब प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास के बाद में अयोध्या पहुंचे थे, तभी पूरे नगरी में दीप उत्सव का आयोजन किया गया और आम लोगों के द्वारा यह आयोजन किया गया था, और उसी के तर्ज पर प्रभु राम, भाई लक्ष्मण और माता सीता के अलावा वानर सेनाओं के प्रमुख की एक शोभा यात्रा जो है वो दिनेशपुर क्षेत्र में निकाली गई। सनातन धर्म की इसी संस्कृति परंपरा को
जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा कोतवाली में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आगामी त्यौहार को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर व्यापारियों और प्रतिनिधियों की पुलिस के साथ बैठक का आयोजन किया गया। और साथ ही आपको बता दें कि त्यौहारों की वजह से लगातार बाजार में होने वाले काफी भीड़भाड़ के चलते यातायात व्यवस्था बाधित हो जाती है और साथ ही सुरक्षा और शांति व्यवस्था भी भंग होने की संभावना बनी रहती है। इसी को देखते हुए बैठक का आयोजन किया गया और साथ ही यातायात व्यवस्था दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। इसमें जैसे आपको पता है कि दिवाली का त्यौहार आ रहा है और कुछ दिनों में धनतेरस का त्यौहार भी है और कई भैया दूज के त्यौहार हैं, तो बाजार में खटीमा बाजार में भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है। उस संबंध में हमारे व्यापारियों के साथ मीटिंग की गई है, व्यापारियों से भी हमने उनसे सलाह ली है कि इसमें यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था के कैसे क्या क्या प्रबंध किए जाने हैं, उनके द्वारा भी हमें सुझाव दिए गए हैं। उन्हीं सुझावों में और पुलिस अपनी व्यवस्था बनाकर इस बार के त्यौहार को सकुशल बनाए। तो वहीं जनपद उधम सिंह नगर के कोतवाली खटीमा में एसएसआई अशोक कुमार के नेतृत्व में डीजे संचालकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में उच्चतम न्यायालय के उद्देश्य और आदेश के क्रम में रात 10 बजे के बाद में डीजे न चलाने की बात भी कही गई और डीजे संचालकों और कार्यक्रम आयोजकों को सख्त चेतावनी भी दी गई कि 10 बजे के बाद डीजे चलता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं इस अवसर पर पुलिस उप निरीक्षक संदीप ने भी बताया कि ग्रामीणों और प्रभावितों को लेकर बार बार शिकायत भी मिल रही है कि रात 10 बजे के बाद में डीजे संचालन से काफी असुविधा हो रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में रात 10 बजे के बाद डीजे संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। डीजे संचालकों को इसलिए बुलाया गया था कि कई ग्रामीणों द्वारा और कई नागरिकों द्वारा समय समय पर शिकायतें की जाती है कि 10 बजे के बाद डीजे शादी विवाह में डीजे का संचालन किया जाता है। उस संबंध में हम लोगों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश निर्देशों के संबंध में उन्हें अवगत कराते हुए उन्हें सख्त चेतावनी दी गई है कि 10 बजे के बाद कोई डीजे अपना डीजे नहीं चलाएंगे और जो डीजे आयोजक हैं, जो पार्टी के आयोजक हैं, यदि उनके द्वारा भी ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है तो उनके साथ ही कार्रवाई की जाती है। रिलायंस के ज्वेलरी शोरूम में 10 मिनट में लूट की घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक बदमाश कार में सवार होकर आए थे। 5 लोग ग्राहक बनकर अंदर घुसे और गन पॉइंट पर कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया। कर्मचारी को पैंट्री में बंद कर दिया गया और साथ ही हाथ में प्लास्टिक की रस्सी से बांध लिया गया और बदमाश यहां से करोड़ों रूपये के हीरे और सोने के जेवरात लूटकर फरार हो गए। देखिए दो चीज़ें, अभी वीआईपी मूवमेंट एक अलग चीज़ है, वो यातायात व्यवस्था को लेकर ज़्यादा उसका फोकस रहता है। और सेकंड चीज़ अभी हमने पूरी जानकारी करी कि बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में पुलिस लाइन और अन्य जगह जो कि स्थापना दिवस था जा रहे थे, तो इसलिए उस समय हर गाड़ी को रोक के अगर चेकिंग की जाती तो नाचिस सी बातें कहीं ना कहीं जाम लग जाता, क्योंकि ये बातें हुई। अभी हमने अपना क्या कहते हैं जैसे इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि भाई क्या कमी रही होगी, कैसे से घटना हुई, तो इसमें पक्का इसमें बदमाशों द्वारा रेकी की गई है। उनको पता था कि प्रोग्राम अलग रूट पर है, सारा डिप्लॉयमेंट फोर्स का वीआईपी रूट पर रहता है, और साथ ही साथ उस समय अगर हर गाड़ियों की चेकिंग की जाए तो कोई पुलिस लाइन या परेड ग्राउंड में या अन्य जहाँ हमारे प्रोग्राम थे सांस्कृतिक, उनमें समय से नहीं पहुँच पाता, तो उस समय रिलैक्सेशन का इसी का फायदा उठाकर उन्होंने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।